रेस्टोरेंट से मिला था, फिर हो गई बंद हो रही बातें। नहीं नानी, अरे मैं थोड़ा देर पैन वापस रोल ठीक है, बहुत बात होगी। अभी हम गुड़िया के लिए बिस्किट लेके आते हैं, आप आराम करो। चल भाई तुम आराम करो, हम अभी धा बाहर जाके खेलेंगे। ये कैमरा बांध ले लो, ये कैमरे से स्लीपिंग का कुछ लेट लिया शॉट। हाँ ये कैमरा सेट कर। वन मोर, सॉरी फोन बज गया। अपनी वस्ती का अमिताभ बच्चन क्या बोलता है? काम जो तुम दोनों को कोई काम धंधा नहीं है ना, सुबह सुबह आके ऐसे गंदे डायलॉग मार रहे हो। चल ले आवाज दे, चल। उन लोगों को यार भाभी का पूछने आए, कैसे भाभी? कैसे? उसके काम। ये लपंडर, एक कान के नीचे बजाएगा ना तुम दोनों को। भाभी भाभी मजाक नहीं। बेटा माइक दिख रहा, बच्चा माइक कैसे भाई आ गए अपनी वस्ती के अमिताभ बच्चन क्या बोलता है? काम चोर, कोई काम धंधा नहीं है ना तुम दोनों, ऐसे सुबह सुबह आके टाइम पास करता है, वो भी ऐसे गंदे डायलॉग सुना है। चल दे आवाज दे। उन लोग यहाँ भाभी का पूछने क्यों आए? कैसी है भाभी? कैसी है भाभी? एक लगाएगा ना कान के नीचे तेरे को, मस्ती मत कर। देखा भाई, भाभी के चक्कर में हम लोगों की लड़ाई हो रही थी, आ गए अपने बस्ती के अमिताभ बच्चन क्या बोलता है? काम चोर, तुम दोनों को कोई काम धंधा नहीं है ना, ऐसे सुबह सुबह आके टाइम पास कर रहे हो, ऐसे गंदे डायलॉग मार रहे हो। चल रे आवाज दे। उन लोग तो यार भाभी का पूछने को आए, कैसी है भाभी? हाँ कैसी भाभी? हाँ देखा ना कान के नीचे तुम दोनों को, एक मस्ती मत देखना भाई, भाभी के चक्कर में हम लोगों को पड़ रेडी है। शर्म नहीं आता? तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो जिसने अपन लोगों को मवाली में से इंसान बनाया, वरना ऐसे मवालियों की तरह पूरे दिन सड़क पे घूमते रहते थे अपन, पूरे दिन कैरम खेलते रहते थे फिर भी पेट नहीं भरता। उसने अपन को काम सिखाया, इज्जत दी, अपन का घर बनाया। यार अपन तो भाभी को मतलब दीदी को भाभी इसलिए बुलाते क्योंकि वो अपन की भाभी अच्छी लगती है। वैसे ना एक बात बोले यार, हम दोनों को तेरी दिल की आवाज बराबर सुनाई देती है। मुझे तो बराबर सुनाई देती है। ठक ठक करने लगा। ये चुप कर रे, बकवास मत। धानी ना अच्छे घर की भली औरत है, समझा ना? उसका उसका दिल बहुत साफ है। कहाँ वो और कहाँ मैं, कोई मैच ही नहीं है। अपुन ना धनी का सिर्फ मदद करना चाहता है, वो बहुत टेंशन में रहती है आजकल। उसकी गुड़िया के दाखिले के पैसे जमा करने का टेंशन, काम का टेंशन, ऊपर से काम देने वालों के अलग टंटे रहते।
वो अपुन को सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानती है, उसके लिए अपुन सिर्फ एक भला मानुस है बस। इसलिए वो भी अपन को बाबा बाबा करके बुलाती है। तुझे अच्छा लगता है ना? अपन गुड़िया से बहुत प्यार करता है, बहुत प्यारी है। पता है अभी 2-3 दिन पहले ना वो अपन को एक कहानी सुना रही थी रात को सोते वक्त। वो पता नहीं कोई तो राजकुमार रहता है जो मेंढक बन जाता है, और फिर वो राजकुमार रहती है ना वो मेंढक को पप्पी करती है तो वो वापस राजकुमार बन जाता है। क्या क्या कहानी सुनाती है वो। और पता है कहानी सुनाते सुनाते ना वो मेरी मेरी छाती पर सरक के सो गई। मेरे को पता ही नहीं चला, इतना सुकून मिला ना मेरे को, बहुत अच्छा लगा। पता है धनी का सपना है कि गुड़िया का वो अच्छी स्कूल में दाखिला पक करके उसको अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाएंगे और फिर गुड़िया को बहुत बड़ी अफसर बनाएंगे। अब उनको धनी को हेल्प करने का है, उसको पैसा जमा करने में मदद करेंगे और फिर गुड़िया को बहुत अच्छी स्कूल में एडमिशन लेके अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाएंगे, बहुत बड़ी अफसर बनाएगा उसको करेगा। आज का सीन ये फर्स्ट सीन है जहाँ पर परशा जो कि मेरे किरदार का नाम है। अब परशा का बैकग्राउंड ये है कि जब धानी और उसकी माँ और उसकी बेटी 5 साल पहले यहाँ पर आए थे तो इस बंदे ने उसको सहारा दिया था, चौल में रहने के लिए घर दिया, उसका ख्याल रखा, सो उसको संभाला बेसिकली। तो अब ये बंदा उनके साथ होता है। सो बेसिकली आज हम जो अभी सीन कर रहे थे वो सीन ऐसा था कि परशा के दोस्त उसको चिढ़ा रहे हैं कि अरे तेरा तो धानी के साथ चक्कर है ना, धानी उसको भाभी भाभी बुलाते हैं। सो पहले तो ये गुस्सा होता है और फिर बोलता है कि अरे यार वो और मैं बहुत अलग हैं एक दूसरे से, वो किधर और मैं किधर, ऐसी जो बम्बैया लैंग्वेज होती है। सो वो बोलता है कि वो किधर मैं किधर, कोई मैच ही नहीं है उसका। लेकिन फिर बोलता है कि वो धानी तो सिर्फ अपन को एक दोस्ती मानती है, बस एक अच्छा इंसान मानती है। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे ये चीज़ निकलती है कि ये उसको प्यार करता है या पसंद करने लगा है। सो दैट इज़ व्हाट दिस होल सीन ऑल अबाउट, जहाँ पे उसके दोस्त उसको चिढ़ा रहे हैं और कैसे ये उनको जवाब देता है, और उस पूरे कॉन्वर्जेशन में ये बाहर आता है कि ये कहीं ना कहीं धानी को पसंद कर रहा है और उसकी बेटी को भी बहुत पसंद कर रहा है। आई डोंट रियली नो लव ट्रैंगल होगा कि नहीं होगा, मैंने अभी 4-5-6 दिन पहले ही शूट शुरू किया है। सो आई हैव नो आइडिया कि कहानी क्या जाने वाली है। सर, बात करें बॉलीवुड में आजकल बायोग्राफिक्स यार, अगर आप देखोगे ना तो हर बार एक ट्रेंड आता है। एक बीच में ट्रेंड था जब साउथ की मूवीज का रीमेक हो रहा था यहाँ पे, अब जाके बायोग्राफीज बन रही हैं। तो आई गेस इट्स अ ट्रेंड, और एज लॉन्ग एज द मूवी इज गुड एंड इट्स एंटरटेनिंग इनफ, फेयर इनफ, उसमें क्या गलत है। बस कुछ नहीं यार, इश्क का रंग सफ़ेद देखते रहिए। इट्स अभी जो कहानी चल रही है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और एक पूरा एक ट्विस्ट जो है अभी कहानी में वो कहानी को एक अलग ही रास्ते पर लेके जा रहा है। सो आई एम श्योर डू वॉच दिस।